हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या इंडिया ने रिफ्यूज़ किया था यूएनएससी की सदस्यता लेने से, क्या नेहरू जी ने। आपको पता है, इस समय टीवी पे बहुत से डिबेट्स चल रहे हैं कि नेहरू की बहुत बड़ी गलती थी। तो पूरा सिनेरियो हम लोग समझेंगे कि आखिर क्यों आज लोग ये कह रहे हैं उनकी गलती थी, और उनके पास उस समय ऐसी क्या सिचुएशन थी कि इतनी सारी चीज़ें अच्छी करने के बाद उन्होंने यूएनएससी की सदस्यता को ठुकरा दिया था। ठीक, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। नेहरू वर्सेस यूएनएससी परमानेंट सीट। ठीक, हमें ये डिस्कस करना है कि नेहरू ने क्यों ठुकराया। तो सबसे पहले यूएनएससी के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं यूएनओ के बारे में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपको पता है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर के 1945। देखिए, इतना बेसिक से बताने का रीज़न ये है कि मान लीजिए जिन्होंने भी ये नहीं समझा कि यूएन क्या है या उसका क्या रोल है कि वो इंडिया को परेशान कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ लोग यूएनएससी को क्या समझते हैं कि वो क्या है? यूनाइटेड यूएसए है। तो यूएसए और यूएन ये दो अलग अलग चीजें हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हुआ ये था कि 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था वर्ल्ड वॉर टू। जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो इसमें इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि लोगों ने सोचा भविष्य में इस तरह का कोई भी युद्ध ना हो कि पूरे विश्व के जो भी देश हैं वो सभी इस युद्ध में शामिल हो जाएं। इसके लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। यूनाइटेड नेशंस कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई, जिसमें वर्तमान में जो मेंबर्स हैं कितने हैं? 193 देश इसके मेंबर हैं। इसके महासचिव कौन है? पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। अब यूनाइटेड नेशन का काम क्या है कि आगे जाकर के युद्ध जैसी स्थिति ना बने, लोग जितने भी देश हैं आपस में ट्रेड करें, उनके बीच शांतिपूर्ण सहयोग रहे। ठीक है, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 अंग हैं, इसमें से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 6 अंग के बारे में जान लेते हैं, वो भी कौन कौन से हैं। पहला तो है जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरा है हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मैंने पढ़ाया आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, कहाँ पे इसका मुख्यालय? द हेग, नीदरलैंड। फिर है हमारा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। उसके बाद हमारा विशिष्ट एजेंसियां, जिसमें आ जाता है हमारा क्या क्या, जो हमारा यूनेस्को है, ये सभी चीजें किसमें आती हैं? विशिष्ट एजेंसियों में। अब यूएनएससी का काम क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज का हमारा टॉपिक है वर्सेस इंडिया। तो इसमें इसका रोल क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का? इसका रोल ये है कि शांति एवं सुरक्षा बहाल करना इसकी प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि हमें क्या करना है, शांति और सुरक्षा देश में बना के रखना है। इसमें इसके लिए क्या ये कर सकता है? इसके लिए बहुत सी काम कर सकते हैं। ठीक, इसमें 5 मेंबर हैं परमानेंट एंड उसके बाद 10 मेंबर हैं नॉन परमानेंट। यही डिसाइड करते हैं कि हमें शांति किस प्रकार बनानी है। तो सबसे पहले आप ये इमेज देखिए, और इस समय जो डिबेट चल रहा है वो इस पे चल रहा है कि अगर नेहरू जी ने गलती नहीं किया होता तो आज इंडिया भी होता यूएनएससी का परमानेंट मेंबर। ठीक, ये देखिए जो आप देख रहे हैं देश, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, ये सभी क्या है? ये 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। नॉन परमानेंट की बात करें तो इधर देखिए, ठीक, अजरबैजान, ग्वाटेमाला, मोरक्को, पाकिस्तान, टोगो, इधर हमारा जर्मनी, इंडिया, कोलंबिया, पुर्तगाल, साउथ अफ्रीका, ये सब हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर, जिनका कार्यकाल हर 2 साल में समाप्त होता है। ठीक है, हर 2 साल में समाप्त होता है। अब यूएनएससी का जो और भी जो इसके कार्य वो भी जान लेते हैं। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाना, हथियारों की तस्करी को रोकना, आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना, ठीक, या फिर आक्रमण को रोकने या बंद करने के लिए राज्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, ये चीज़ें यूएनएससी कर सकती है। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? रीज़न ये है, आपने सुना होगा कि 14 फेब को हुआ था पुलवामा अटैक। सबको पता है कि पुलवामा अटैक कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को हुआ था पुलवामा अटैक, जिसका जो मेन आतंकवादी बताया गया कि किसने करवाया था ये अटैक, तो जैश सरगना मसूद अजहर ने।
किसने करवाया था? मसूद अजहर ने, एंड खुद इसने कबूला है कि हाँ मैंने ये अटैक करवाया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यूएन में ले जाइए और इसको एक आतंकवादी घोषित करवाइए। आतंकवादी घोषित करने के बाद इस पे बहुत से सैंक्शन लगते हैं, ठीक। तो वो इतने खुले तरीके से इस तरह के हमले नहीं कर सकता। हमने पढ़ने का रीज़न ये है कि अभी इसको भेजा गया था और यूनाइटेड नेशन में चीन ने इसको फिर से बचा लिया। कुछ लोग सोच रहे हैं कि वीटो पावर का यूज़ करके चीन ने इसको बचाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी चीन ने वीटो पावर नहीं लगाया, एक आतंकवादों के लिए एक अलग से उसमें संगठन है, वहाँ पे बात गई। 10 दिन उनको इस टॉपिक पे बात करना था। उसमें क्या किया चीन ने कि जब 10 दिन 10वां दिन पूरा होने वाला था, 1 घंटा बचा था, तो चीन ने कहा हमें, हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, तो हम अभी इसको नहीं साबित कर सकते और उस पर आने वाले 7 महीने के बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। वीटो पावर का यूज कतई नहीं किया अभी यहाँ पे चीन ने। हाँ, लेकिन अगर उसने आज यह कह दिया है तो भविष्य में वीटो पावर का यूज करके चीन इसको बचा सकता है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर ये वीटो पावर है क्या, इतना वीटो वीटो हर बार कुछ भी होता है चीन वीटो पावर यूज करके रोक देता है। देखिए, जो 5 परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के, उनके पास है वीटो पावर। वीटो पावर मतलब कोई भी यूनाइटेड नेशन में कोई भी, जैसे मान लीजिए हम बिल भेजते हैं और उसको कानून बनना, उसको पास होना है, तो 5ों की सहमति होनी चाहिए। अगर ये सहमति 5 में से किसी एक ने, चाहे वो सहमति अच्छी हो या खराब हो, 5 में से किसी एक ने मना कर दिया, तो वो कोई भी कानून वहां पे नहीं बनेगा, ना ही किसी को आतंकवादी घोषित किया जाएगा, ना ही किसी पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक। तो ऐसा किया गया किस लिए? शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए। क्यों इन्हीं 5ों को चुना गया? यही 5 कंट्री को क्यों चुना गया? क्यों चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन और यूएसए को चुना गया? बाकी क्या किसी और को नहीं चुन सकते? देखिए, जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस समय जो सुप्रीम पावर्स थी वो कौन थी? यही कंट्रीज थे। इस वजह से इनको शामिल कर लिया गया कि हाँ आप बन जाइए परमानेंट मेंबर और बाकी नॉन परमानेंट मेंबर भी हम लोग रख लेंगे, ठीक। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था 2nd वर्ल्ड वॉर के टाइम? इंडिया ने किया था। कब? हम बात कर रहे हैं 1939 से 1945। आपको पता होना चाहिए कि उस समय इंडिया आज़ाद नहीं था, उसने ब्रिटेन के सहयोग से किया था। हम अगर किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और प्रमोशन होगा तो किसका होगा पहले? पहले जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं उसका होगा, फिर कहीं हमारा होगा। तो इसलिए ब्रिटेन को चुना गया। जब ब्रिटेन बन गया तो उसमें इंडिया को बनाया जाएगा, तो ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं आता है, ठीक। ये है रीजन कि 5 परमानेंट मेंबर में भारत नहीं शामिल था, ठीक। लेकिन ऐसा है कि 2 बार भारत को इनफॉर्मल रूप से ये कहा गया कि हम आपको 6ठा मेंबर बना देंगे, किसका? यूएनएससी का। लेकिन चीन ऐसा कतई नहीं चाहता कि भारत को मना जाए। आप देखते हैं कि उस समय की सिचुएशन क्या थी, कि आखिर नेहरू जी ने मना कर दिया कि हमें यूएनएससी की मेंबरशिप नहीं चाहिए। अभी तो हाल ही में आपको पता है यूएन में चीन ने जैश सरगना मसूद अजहर को फिर से बचा लिया। कब बचा? 14 फरवरी को जब पुलवामा अटैक हुआ। आपको पता है जितनी भी कंट्री है सभी ने इसकी निंदा की, इसमें 44 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं, और सभी ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे यूएन तक और यहाँ पे मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की मांग करेंगे। इसके पहले आप सुने होंगे हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित कर दिया गया, फिर भी वह पाक में खुला घूम रहा है। तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है यूएन में? अगर आप उसको आतंकवादी घोषित भी कर दे रहे हो तो क्या कर लोगे बताओ? हाफिज सईद तो आज भी घूम रहा है ना, कर यही लेंगे कि इंडिया के पास एक विक्ट्री आ जाएगी कि देखिए पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और कुछ नहीं हो जाएगा। और कभी भी अगर एक्शन लेना होगा आतंकवाद के खिलाफ, तो पूरा का पूरा विश्व एक साथ जुट करके आतंकवाद को खत्म करने में एक दूसरे की मदद कर सकता है, ठीक। अब चाइना ने 3 बार मसूद अजहर को बचाया है और यह चौथी बार है जब चाइना ने मसूद अजहर को बचा रहा है। क्यों बचा रहा है मसूद अजहर को? रीजन ये है कि देखिए, चाइना, भारत, इंडिया, ये तीनों क्या है? पड़ोसी देश हैं एक दूसरे के। पाकिस्तान में चल रहा है चाइना का एक प्रोजेक्ट CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना के बहुत से इंजीनियर, बहुत से लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इस समय अगर चाइना इस तरह का कोई भी कदम उठाता है, तो चाइना को पता है कि पाकिस्तान में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं चलती है, ISI जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका भी राज है, वहाँ की जो मिलिट्री है उसका भी राज है, वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है उसका भी राज है। तो वो उस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। इस वजह से वो चाहता है कि हम मसूद अजहर को अगर बैन कर देंगे तो थोड़ा सा हमारे ऊपर प्रेशर पड़ सकता है और कुछ भी हो सकता है। इस डर से चाइना मसूद अजहर को बचा रहा।
हाफिज सईद, जिसे 2008 में घोषित किया गया था आतंकवादी, इसके लिए भी चीन मान नहीं रहा था। बाद में जब 26/11 का अटैक होता है, तो आपको पता है प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि चीन को मानना पड़ता है उसको आतंकवादी घोषित करने के लिए। चीन अपना वीटो पावर का यूज़ नहीं करता उस समय। अब हमें क्या जानना है, हमें ये जानना है कि क्या भारत यूएनएससी का मेंबर बनने वाला था, कैसे कैसे क्या पॉइंट्स रखे गए। तो आइए देखते हैं टॉपिक को। सबसे पहले तो हमने जान लिया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता क्या है। इसमें 5 परमानेंट कंट्री होती हैं, 10 नॉन परमानेंट। इंडिया क्यों नहीं है इसमें, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इंडिया क्यों नहीं है। देखिए होता क्या है कि 27 सितंबर 1955 में लोकसभा में डॉक्टर जे एन पारेख ने एक सवाल पूछा था नेहरू जी से कि क्या आपको यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने का ऑफर आया था। नेहरू जी ने कहा नहीं, यूनाइटेड नेशन ने नहीं कहा है हमसे, ना तो फॉर्मली कहा है ना तो इनफॉर्मली। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा यूनाइटेड नेशन और यूएसए को। यूनाइटेड नेशन क्या है, एक संगठन है देशों का। यूएसए क्या है, एक देश है। हाँ, थोड़ा सुप्रीम पावर ये रखता है यूनाइटेड नेशन में। तो यूनाइटेड नेशन ने कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल रूप से कहा ही नहीं था कि आप आइए यहाँ पे मेंबर बनिए। मानिए अगर कोई भी लेटर आ रही है फॉर्मल या इनफॉर्मल किसी भी तरीके से मेंबरशिप के लिए, वो कौन भेजेगा, यूनाइटेड नेशन ना। मेंबर आपको यहाँ बनना है। यूएसए क्या है, यूएसए इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, नॉट यूनाइटेड नेशन। ओके, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। बस जो मेंबर कंट्रीज है उन्होंने कहा था कि भारत आप आइए यहाँ पे मेंबर बन जाइए, वो भी कोई लेटर वेटर नहीं आया था। ठीक, होता क्या, उसके एक महीने पहले एक स्टेटमेंट होता है नेहरू जी ने, 2 अगस्त 1955, अभी हमने क्या पढ़ा 27 सितंबर 1955, और अब हम लोग देख रहे हैं एक महीने पहले ऐसा क्या हुआ था। नेहरू जी को एक इनफॉर्मल ऑफर आया था, कहाँ से, यूएस ने भेजा था यूएनएससी के मेंबर्स के लिए। ठीक है, यूएस ने भेजा था, अमेरिका ने भेजा था कि आप यूनाइटेड नेशंस का मेंबरशिप ले लीजिए। और उसके बाद नेहरू जी ने किसको चिट्ठी लगी थी, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको चिट्ठी लिखा था कि हमें इस तरह का ऑफर आया है, लेकिन ऑफर किसने दिया है, अमेरिका ने दिया है, ना कि यूनाइटेड नेशंस काउंसिल ने दिया है। इसके पहले यह ऑफर 1950 में भी आया था। क्या सिनेरियो चल रहा था उस समय, देखिए यूएसए ने क्या कहा, सॉरी यहाँ पे देखिए यूएन मैंने लिख दिया है, यूएसए ने क्या कहा कि चाइना को हटा करके इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनाना चाहते हैं, परमानेंट मेंबर बनाना चाहते हैं। उस समय नेहरू जी ने क्या स्टेटमेंट दिया कि चाइना जैसे महान देश के साथ हमें अपना रिलेशन नहीं खराब, पहली बात तो महान देश है, दूसरा क्या हमारा पड़ोसी है, हम पड़ोसी से रिलेशन नहीं खराब करेंगे, और वो इतना महान देश है कि वो यूएनएससी की मेंबरशिप डिजर्व करता है, उसके उसको यह शक्ति मिलनी चाहिए। अब आप सोच रहे हैं इतना पोलाइट व्यू नेहरू जी का, तो कोई ना कोई तो रीजन चलिए, कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। रीजन ये था कि 1949 में चाइना में चल रहा था सिविल वॉर। ठीक, और उस समय यूएसए और चाइना के रिश्ते खराब थे। यहाँ पे यूएन लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, अमेरिका और चाइना का जो रिलेशन था वो खराब था। वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वह जीती, माओ जो कि उसके हेड थे वह जीत गया, और वहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ। यूएसए पूरी तरह चाहता था कि हमें क्या करना है, अब चीन को बाहर निकालना है यूएनएससी से, लेकिन यूएसएसआर सोवियत रूस उसने इस डिसीजन को पूरी तरह से डिनाई कर दिया। वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश था, उसने कहा कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के फायदे के लिए अगर आप इस तरह की कोई हरकत करेंगे, तो हम क्या विश्व में शांति लाएंगे, हमें क्या करना, हमें निष्पक्ष रह के चीज़ों को करना है, कोई भी काम निष्पक्ष रह के करना है, फिर यूनाइटेड नेशन काउंसिल बनने का मतलब ही क्या, अगर आप अपने हिसाब से सभी चीज़ें करेंगे। तो अगर आप चीन को बाहर निकालेंगे तो ठीक है, हम भी छोड़ दे रहे हैं। ठीक, यूएसआर ने कहा। इसके अलावा आपको पता है कि रूस और भारत मित्र हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, अगर इंडिया ज्वाइन करता तो रशिया और चाइना दोनों को प्रॉब्लम होती इस चीज़ से कि इंडिया ने क्या किया, हमारी सहमति के बिना ही यूएनएससी को ज्वाइन कर लिया चाइना को हटा करके। इस वजह से नेहरू जी ने मना कर दिया था कि हमें मेंबरशिप नहीं चाहिए। ठीक, लेकिन होता क्या है कि 1955 में जो ऑफर आता है वो किसके द्वारा आता है, यूएसएसआर के द्वारा ऑफर आता है कि आप आइए हम आपको यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाना चाहते हैं। जो दूसरा रीज़न था, रीजन देखिए यहाँ पे हम मेंबर किसके बनने वाले हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। लेटर क्या हमको यूएनएससी ने दिया एक बार भी, नहीं।
किसने दिया? एक बार अमेरिका ने दिया, यूएसए ने, दूसरी बार यूएसएसआर ने दिया हमें। ठीक, तो भारत ने उस समय, नेहरू जी ने क्या सोचा कि हम अभी अभी आजाद हुए हैं, हम एक काम करते, हमको क्या जरूरत है बहुत बड़ी सुप्रीम पावर बनने का, हम पहले अपने देश को संभालें। और उन्होंने न्यूट्रल रहने के लिए मना कर दिया कि हमें कोई मेंबरशिप नहीं चाहिए। दूसरा रीजन ये था कि कोई भी ऑफर फॉर्मल नहीं था, जो भी ऑफर आया था वो कैसा ऑफर था? इनफॉर्मल ऑफर था। यही रीजन था कि नेहरू ने मना कर दिया कि हमें मेंबरशिप नहीं चाहिए। हाँ, अगर उस टाइम पे ये थोड़ा सा रिस्क लेकर करते तो शायद आज ये बहुत ही अच्छा पार्ट निभा रहे होते यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि इंडिया डिजर्व करता है। हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है, इसके अलावा हमारी इकोनॉमी भी काफी अच्छी है। ठीक, हर चीज में इंडिया आगे जब बढ़ रहा है, तो अगर इस समय हम यूएनएससी के मेंबर होते तो हमारी जो पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाती, और हम आतंकवाद के खिलाफ, जो आज हम एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं, हम खुद एक्शन लेने के लिए वहां पे एबल होते। तो यही रीजन है। ठीक, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस पे अपना क्या पॉइंट रखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, कुछ नॉलेज ऐसी होती है ना जो एक आम इंसान को भी जानना चाहिए कि उसके देश में क्या चल रहा है। जरूरी नहीं है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब जानो, लेकिन क्या चल रहा है आपकी कंट्री में, इसमें क्या होता है कि आप डिसीजन मेकिंग में, आपके जो आसपास लोग हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उनको भी एक सही दिशा दे सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के जो भी इसलिए वीडियोस होते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोग इसको देखें और समझें, क्योंकि आज हर इंसान इस पे बात कर रहा है कि क्यों मना कर दिया, क्या गलती थी, मना किया क्या सही है क्या गलत, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो पूरा सिनेरियो है, मना करने का रीज़न क्या है या हाँ क्यों करना चाहिए, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो अब डिसीजन जो है वो आप खुद सोच सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके अलावा वीडियो पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।